नमस्ते ब्रजछारी वीडियो, आपका स्वागत है। आज भाई इंडिया की ऐसी ऐसी भी सामने खड़े हुए हैं जिस पे इंडिया आधा दीवाना है, जिसके पास देखो अच्छा प्रतिभा है ना, उसके पास अगर घर में फॉर्च्यूनर ना हुई है उसको इंसान का रईस माना नहीं जाता। लेकिन आज इस बारे गाड़ी में बारे बात कर रईसी बातें दिखाएंगे, लेकिन इस गाड़ी बारे में बात करें गाड़ी के अंदर क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है और कितने की आती कितने की नहीं आती है सारी चीज़ें दिखाऊँगा। कौन सी गाड़ी कवर है कौन सी ये भी बता दूंगा आपको। और लेकिन एक चीज़ बताऊं मैं आपको, इतनी बड़ी गाड़ी के लिए भाई बहुत शानदार चीज़ है इसके चढ़ने उतरने के लिए। अब देखो डायमेंशन वगैरह आपको भाई कितनी लंबी कितनी नहीं आपको मैं डिस्प्ले पर शो कर दूंगा, यहाँ पर शो हो जाएगा। ये चीज़ है भाई बहुत लंबी। इसमें भाई दो वेरिएंट आते हैं, एक आता है भाई फॉर्चुनर, एक आता है भाई इसके अंदर लेजेंडर ये वाला, एक आता है लेजेंडर ये वाला, एक आता है अपना ये वाला। तो मैं ये वाला दिखाता हूँ, ये वाला ना देखा। इसमें ओनली एक ब्लैक रूफ डुअल टोन का आ जाता है, सिग्मा 4x4 लेजेंडर वाली बैजिंग आ जाती है और इसके अंदर भाई ऐसी 3 चैम्बर में आपको LED हेडलाइट मिल जाती है, LED फॉगलाइट इसके अंदर मिल जाता है, ऐसी आपको ये सामने से मिल जाती है। लेकिन आपको इसमें आपको डुअल टोन में ऑप्शन नहीं मिलता है, सेमी मिलती है, सेमी आपको ये मिलती है सेमी मिलती है। लेकिन इसमें थोड़ी लाइट का चेंज मिलता है, बम्फर बोल्ट वगैरह इसकी ग्रिल वगैरह से चेंज इसके अंदर हो जाती इस वाली की। चलो सेम आपको अंदर से तो आपको सेम ही मिलती है भाई, अंदर से 1% का भी आपको फर्क नहीं मिलेगा। ओनली लेजेंडर में आपको ऐसा मिलेगा, ब्लैक टू रूफ मिलेगी, डुअल टोन आपको मिल जाएगी आप देख सकते हो, और अपनी सादा में आपको ऐसी मिलती है। बात करते हैं इस गाड़ी की भाई शुरू होती कितने से। ये भाई इसका बेस मॉडल इसका आता है भाई 34 लाख रुपये का आता है और इसका टॉप मॉडल जाता है भाई सिग्मा 4 वाला और इसका कम से कम 50-51 समथिंग इसका टॉप पहुंच जाता है, उन 34 लाख से स्टार्ट होती है। चलो शुरुआत करते हैं भाई इसकी ग्रिल वगैरह कैसी क्या है कैसी क्या नहीं है। क्रोम में ही आपको बड़ी सी ग्रिल मिल जाती है, आप देख सकते हैं यहाँ से क्रोम लेके यहाँ तक मिल जाती है। लाइट आपको LED मिलती है आप देख सकते हैं इसके अंदर ये है, और सामने देख सकते हो लाइट ऐसी मिलती है। आपको जला के दिखाता हूँ आपको जला के कैसी तो लाइट आपको ऐसी मिल जाती है भाई इसके अंदर, LED रियर के अंदर भी मिल जाता है लेकिन गाड़ी ऑन नहीं है इस वजह से आपको दिख नहीं रहा। LED पूरा सेटअप मिल जाता है, सिंगल प्रोजेक्टर के साथ आती है आप देख सकते हो, सिंगल प्रोजेक्टर आता है। यहाँ पे आपको DRL मिल जाती है, यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं, वो सॉरी अपनी फॉग लाइट मिल जाती है, यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं, LED के साथ में आपको इंडिकेटर मिलते हैं, ये अपनी हेडलाइट मिल जाती है। ग्रिल आप सामने देख सकते हो, इसके ग्रिल की बात करें इसके ग्रिल आपको ग्रिल अपनी वो मिल जाती है सिल्वर कलर की आपको मिल जाती है। आप ऊंची देखो कितनी कितनी नहीं है इसके अंदर भाई, देखो लोअर गार्ड वगैरह इसके अंदर सारी चीज़ लगा रखी है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। देखो लोअर गार्ड वगैरह इसके अंदर भी लगा रखा है, ये काफ़ी देखो दोबारा दिखाता हूँ आपको, लोअर गार्ड वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर लगा रखी है। अब सामने से आपने देख ली उसमें भी जैसी ग्लास इसमें आती आती, लेकिन बोनेट आपको भाई कर्व डिजाइन में मिल जाता है, इसके दो डिजाइन इसके अंदर मिल जाती है, एरोडायनामिक के लिए इस तरह मिल जाता है, रेन सेंसिंग वाइपर इसके अंदर मिल जाता है। ये है, इसको बंद कर देते हैं एक बार इसकी लाइट को। लाइट बंद कर देते हैं, चलो इस तरफ से बात करते हैं इस तरफ से कैसी क्या नहीं है। और यहाँ पर टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं देख सकते हो आप, टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं आपको यहाँ पे LED में ही मिलते हैं आप देख सकते हो, लिप 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 बात करते करते इसके अंदर लुकती होती है। टायर साइज की बात करूँ, टायर आपको अलॉय व्हील मिलता है भाई, बेस मॉडल से आपको अलॉय व्हील मिल जाता है, सेम बात है भाई बेस मॉडल से अलॉय व्हील मिलना बहुत अच्छी बात है। टोयोटा का इसके अंदर लो मिल जाता है, डिस्प्ले का आपको 4 मिल जाते हैं और टायर से आपको 18 इंची का इसके अंदर मिल जाता है, 18 और 17 इंची का आपको इसके अंदर मिल जाता है। इसके अंदर कितने इंची का है आपको मैं दिखा दूँ, इसके अंदर टायर साइज ही ना मिल लो लेकिन है 17 इंची का ये चीज़ है। चलो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है भाई, पीछे दिखाता हूँ पीछे कैसी क्या है कैसी क्या नहीं है सारी चीज़ें देख सकते हो। फ्रंट रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं आप देख सकते हो, रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक आपके इसके अंदर मिल जाते हैं। क्रोम की लाइन जो दी गई है भाई शुरू से लेके एंड तक दी गई, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी अपनी लोअर गार्निश आपको पीछे पूरी गाड़ी के अंदर दी गई है, पूरी पूरी आपको दी गई है। पीछे आपको LED आपको टेलर मिलती पूरी पूरी आपको LED मिलती पूरी पूरी फुल LED सेटअप इसके अंदर मिल जाता है। बड़ा सा फॉर्चुनर का लोगो आपको पीछे मिल जाता है देख सकते हो, फॉर्चुनर का बड़ा सा लोगो मिल जाता है। टोयोटा की बैजिंग लाइट आपको पीछे मिल जाती है और इसमें आपको 4x4 की बैजिंग आपको देख सकते हैं, कुछ भी नहीं दी गई है। रियर वाइपर एंड डिफॉगर मिल जाता है आपको, शार्पन एंटीना मिल जाता है और आपको स्पॉइलर भी आपको इसके अंदर मिल जाता है। बूट स्पेस की बात करूँ, इलेक्ट्रो की टेनर आपको बूट स्पेस मिलता है देख सकते हो,
यहाँ पे आपको 250 के आसपास बूट स्पेस मिल जाता है, लेकिन अगर मैं श्योर नहीं हूँ तो यहाँ पे आपको लिख दूंगा, आपको डिस्प्ले पे आ रहा होगा, वो भी आपको बता दूंगा। आप इसको बूट स्पेस भी अपना बढ़ा सकते हो, 550 के आसपास इसका बूट स्पेस आ जाता है इसके अंदर। इस वाली सीट को आप फोल्ड कर सकते हो ऐसे ही करके, इसको इसको तान के ऐसे ही वाली इसको कर सकते हो, लेकिन और अपनी बूट स्पेस अपनी जर्नी आप बना सकते हो। पहली सेगमेंट की गाड़ी है भाई, इसके अंदर भी आप स्प्लिट ना करते समय आपको साइड माउंट आपकी सीट इसके अंदर मिल जाती है। बंद करते हैं इसको, यहाँ पे आपको रैप हैंडल मिल जाता है, आपको इलेक्ट्रिक बंद करने का इसके बटन भी इसके अंदर मिल जाता है विथ एनची पिंच के साथ में। अगर इसके नीचे कोई आ गया तो भाई अपने आप वोट हो जाएगा, लेकिन भरोसा नहीं है, सीधी बात ही है। चलो, फ्यूल टैंक आपको एरिया 80 लीटर का मिल जाता है भाई, 80 से 90 लीटर इसके अंदर स्पेस तरीके से आ जाता है। रियर पैसेंजर डोर खोल के देखते हैं इसके अंदर रियर पैसेंजर डोर क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। डुअल टोन फैब्रिक मिल जाता है आपको, देख सकते हो आप, पावर विंडो, स्पीकर, ट्विटर आपको सामने मिल जाता है, बोतल होल्डर, मैक पॉकेट वगैरह इसके अंदर, फैब्रिक कलर की सीट का मिल जाती है लेदर अपॉल्ट्री के साथ में, और आपको पीछे आपको आमरस भी मिल जाता है दो। ए भाई, इसके अंदर निकलता है भाई इसके अंदर से ये दो कप होल्डर के साथ में, ठीक है। तीन आपको हेडर्स मिल जाते, रूफ माउंट एसी मिल जाती है, रूफ माउंट ही आपको रीडिंग लाइट मिल जाती है, यहाँ से आपको रूट माउंट आपको एसी मिल जाती है। चलो अब बात करते हैं भाई, आप कहोगे कमेंट भी कर दोगे, चाबी और बैरेंट बता दे। ये भाई इसका 4x4 ऑटोमेटिक फोर व्हीलर का वेरिएंट, टॉप मॉडल आपको इसके कहते हैं, एक टॉप मॉडल ये, एक टॉप मॉडल ये है, ये टॉप मॉडल आता है इसका। चाबी आपको ऐसी मिल जाती है भाई, देख सकते हो सेम ही आपको चाबी मिलती है भाई। टोयोटा जो चाबी देता है ना भाई, काफ़ी प्रीमियम चाबी देता है, ये भी आप देख सकते हो। चलो ड्राइवर साइड डोर खोल के देखते हैं आप, ड्राइवर साइड डोर के अंदर क्या क्या मिलता है क्या क्या नहीं है, और पीछे आपको बैठ के दिखा दूँ एक बार, पीछे आपको कैसी क्या इसके अंदर सिटिंग एरिया मिल जाती है। ये भाई चढ़ने और उतरने के लिए भाई काफ़ी बड़ी है इसके अंदर, स्क्रीन पैड भी आपको दी गई यहाँ पर खड़ी करने के लिए, और यहाँ पे आप पकड़ के चढ़ सकते हैं। ये है भाई, इतनी बड़ी बैठने के लिए जगह अच्छी इसके अंदर दी गई है, कुछ टांगने करने के लिए भी आपको हुक दिया गया है यहाँ पे, मैक पॉकेट दी गई है, एक यहाँ पे दिया गया है हुक मोबाइल पर रखने के लिए, 12V का चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ दिया गया है, नीचे आपको कुछ नहीं दिया गया है, एसी वेंट आपको यहाँ दिए गए, और यहाँ से भी आपने एसी वेंट कंट्रोल आप कर सकते हो, यहाँ से भी एक वहाँ पे मिल जाता है, एक यहाँ मिल जाता है। और रियर में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, रियर में जाने के लिए आपको ये वाला चीज़ उठाई और अपने यहाँ से आप अपने पीछे आप जा सकते हो, बहुत शोर लगाना पड़ता है भाई इसके लिए, उड़ जा भाई। चलो आइए फ्रंट डोर खोल के देखते हैं इसका, रिक्वेस्ट सेंसर बटर आपको यहाँ मिल जाता है, क्रोम में मिलता है ना कि ब्लैक कलर का इसके आपको मिल जाता है। लेदर अपॉल्ट्री इसकी डुअल चारों डोर के अंदर मिल जाती है, क्रोम डोर ओपन मिल जाते हैं, चारों पावर विंडो मिल जाती है, मिरर एडजस्ट करने के लिए लीवर लॉक और लॉक का मिरर एडजस्ट करने के लिए आपको फोल्ड अनफोल्ड के लिए मिल जाती है। 6 बे सीट आपको एडजस्ट मिल जाती है, आगे पीछे ऊपर नीचे आपको मिल जाती है, यहाँ से कैसे भी आप इसको आगे वाली कर सकते हो या पीछे वाली भी आप इसको कर सकते हो। 6-8 बे एडजस्टमेंट आपको मिल जाती है, ऑटोमेटिक और मैनुअल के अंदर आती है, बोनट खोलने का लीवर आता है, पेट्रोल खोलने का लीवर आता है, बीम एडजस्ट के लिए आता है इसके अंदर, ये एडजस्ट बटन आपको यहाँ मिल जाता है। सीट पूरी पीछे कर लेते हैं एक बार, चलो इसके अंदर चढ़ने का, तो देखो चढ़ने का तरीका बहुत शानदार है भाई, यहाँ से यहाँ पर पैर रखा, यहाँ पकड़ा और यहाँ अपने को बैठा, ये है भाई फॉर्चुनर का स्टेयरिंग व्हील भाई, काफ़ी अच्छा सा है, और लेदर रैप जो दिया है भाई बहुत शानदार दिया, देखो यहाँ पे लेदर यहाँ उन्होंने एक कार्बन फाइबर फिनिश का इन्होंने लगा दिया है। चलो बढ़िया भाई, काफ़ी अच्छी चीज़ है। एयरबैग आपको 8 एयरबैग मिलते हैं, यहाँ पे मिल जाते हैं, यहाँ मिलता है इसमें मिलता है 8 एयरबैग मिलते हैं, और पीछे भी आपको इसके अंदर एयरबैग इसके अंदर मिल जाते हैं, 8 एयरबैग के साथ आती है। चलो इसको ऑन करते हैं एक बार, सिंगल टोन में आपको ऐसे भी ऑन होती है, डबल टोन में आपको पूरा स्टोन क्लस्टर इसके अंदर ऑन हो जाता है, ठीक है ये चीज़ है। स्टेबिलिटी कंट्रोल आपको यहाँ मिल जाते हैं, म्यूजिक सिस्टम वगैरह के लिए आप ट्रैक चेंज करने के, वॉल्यूम वगैरह के लिए यहाँ मिल जाते हैं आपको, या अपनी क्रूज कंट्रोल वगैरह के लिए पेडल शिफ्टर आपको यहाँ मिल ही जाता है। टोयोटा की गाड़ी में हर आपको पेडल शिफ्टर आपको इसके अंदर मिल जाते हैं, लाइट के टॉगल मिल जाते हैं आपको, इधर वाइफर के टॉगल मिल जाते हैं, ठीक है ये है, इधर मिलता है अपनों ऐसा MID डिस्प्ले, ठीक है इधर मिलता है आपको MID डिस्प्ले, ऐसी इसके अंदर आवाज़ आती है भाई, बहुत शानदार सी गाड़ी है। चलो भाई बढ़िया, ट्विटर आपको यहाँ मिल जाता है, वहाँ पे भी आपको ट्विटर मिलता है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है।
चाबी आपको ऐसे मिल जाती है। दो कप होल्डर यहाँ मिल जाते हैं इसके अंदर भाई, ये हवा टाइप की वगैरह इसके अंदर कुछ भी बंद कर चालू कर सकते हो, और यहाँ पे आप इसको बंद भी कर सकते हो, चाबी वगैरह कुछ भी अपनी दुख सकती है, खुद छुप जाएगी। यहाँ मोबाइल लग सकता है, वायरलेस चार्जर आपको यहाँ हो जाता है, अपना कार्ड वगैरह मोबाइल रख सकते हैं। ये अपना 12 का चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा, एक वेंटिलेटर सीट के बटन मिल जाएंगे यहाँ पे आपको, यहाँ से वेंटिलेटर सीट आपको मिल जाएगी। ये आपको दो फ्रंट वाली वेंटिलेटर सीट आपको मिलती है। मेरे नीचे से हवा आने लगी है भाई, बहुत शानदार सी हाँ आवाज़ आने लगी है भाई। वेंटिलेटर सीट आपको मिल जाती है। ये है भाई ऑटोमेटिक गियर एसी, यहाँ से आप लो हाई कर सकते हो टेम्परेचर, यहाँ से आप अपनी हवा बढ़ा सकते हो, ये टेम्परेचर के लिए है और अपने उसके लिए, सॉरी ये बता देता हूँ आपको, डू जोन एसी मिलती है, इधर वाला अलग सेट कर सकता है अपना और इधर वाला अपना अलग सेट कर सकता है। यहाँ के लिए म्यूजिक सिस्टम आपको मिल जाता है, ये बटन वगैरह मिलते हैं आपको इसके, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, होम बटन का देखिए चीज़, काफ़ी शांत ड्राइवल है जो सपोर्ट करेगा एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सपोर्ट करता है। वेदर लाइट का बटन आपको मिल जाता है, यहाँ आपको घड़ी मिल जाती है आप देख सकते हो, ऑटो डिमिंग वायर मिल जाता है, सनग्लास होल्डर मिल जाता है आपको, और ये अपनी लाइट वगैरह मिल जाती है यहाँ पर जलाने वगैरह के लिए। सनसेट पर वैनिटी मिरर मिल जाता है विथ लाइट के साथ, ठीक है, ड्राइवर साइड विथ लाइट के साथ, ठीक है। यहाँ से मैंने हो गई, ये भाई ऑटोमेटिक गियरबॉक्स 6 speed का ऑटोमेटिक आता है इसके अंदर। यहाँ मिल जाएंगे आपको कुछ कंट्रोल, ऑटो वगैरह सिस्टम का बटन मिल जाएगा, 4x4 वगैरह का इसके अंदर ऑप्शन तो नहीं है, देख सकते हो एक बार क्या क्या ऑप्शन है। हेलो स्लो कंट्रोल वगैरह इसके अंदर मिल जाता है, हैंड ब्रेक आपको ऐसा मिलता है, ठीक है, लेदर रैप मिलता है, ग्लोव बॉक्स आपको ऐसा मिल जाता है भाई, काफ़ी बड़ा सा ग्लोव बॉक्स है। और भाई वो कहाँ से खुलेगा इसका, ये है भाई ग्लोव बॉक्स आपको इतना बड़ा मिलता है भाई, लाइट वगैरह मिलती ही नहीं मिलती इसके अंदर, लाइट वगैरह तो नहीं है, छोटा सा ही है, लेकिन ये वाला खुल जाता है भाई। ये फूल्ड मिलता है अपने को यहाँ से लेके यहाँ तक अपने को हवा आती है, ये अपने कूल्ड मिल जाता है। ये लेदर आपको यहाँ मिल जाता है, इधर आपको लेदर नहीं मिलता, इधर नहीं मिलता, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। चलो अब बात करते हैं इसकी MID की, MID आपको क्या क्या मिलता है क्या क्या नहीं मिलता है। यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो MID को, ठीक है, यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ से भी आप कंट्रोल कर सकते हो MID को, यहाँ से भी ये है, ठीक है, ये लिखा है ट्रैक्शन ऑफ लिखा हुआ है इस पर, तो पता नहीं किस चीज़ का बता रहा है भाई ये, तो अब एक्चुअली में क्या देखो मुझे भी खुद को जानकारी नहीं है इस वजह से आपको मैं आ गई, ये सब चीज़ें दिखा रही, माइलेज फ्यूल इकोनॉमी वगैरह देखो, ये देखो ट्रिप सारी चीज़ दिखाती, देखो माइलेज वगैरह कितना क्या दिखा रही कितना क्या नहीं दिखा रही सारी चीज़, स्पीड मीटर आपको दिखाती, ये रेस के लिए मिल जाता है, इधर आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, इधर डीजल के लिए अपने टेम्परेचर ऑयल के लिए आपको यहाँ मिल जाता है। स्टीयरिंग की बात करें, स्टीयरिंग आपको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे आप कर सकते हो, ये है। चलो मैंने यहाँ से पूरी कंप्लीट कर दी, बंद करते हैं इसको, बंद करने के बाद अपनी चाबी उठाते हैं यहाँ से और यहाँ से खोलते हैं अपना बोनट, ठीक है, पेट्रोल के लिए अपना बोनट के लिए है। चलो भाई बहुत बड़ा इंजन है इसके अंदर भाई, बहुत बड़ा इंजन है, ये है भाई, यहाँ से भरेंगे डीजल और पेट्रोल, यहीं से पेट्रोल और डीजल दोनों के अंदर आती है, एडब्ल्यू टैंक वगैरह इसके अंदर डलता है सारी चीज़ें, ये है। खोलते हैं इसको एक बार बंद करके, आपने खोल लिया है भाई। इंजन की बात करते हैं, इंजन कितना क्या पावर निकालता है भाई, ये है 2.8 liter का टोयोटा का इंजन भाई, जो पावर जनरेट करता है भाई 201 bhp, और टॉर्क की बात करूँ 500 mm का टॉर्क करता है ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ में, ये काफ़ी शानदार चीज़ है भाई। इधर देखते हैं एयर फिल्टर आपको मिल जाता है, काफ़ी बड़ी बड़ी सी चीज़ें दी गई इसमें, तो भाई रिक्शा रेगुलेटर के लिए, ब्रेक वाल्व फ्यूल वगैरह के लिए, यहाँ पे वाइपर के लिए बैटरी ऐसी मिल जाती है, इधर आपको फ्यूज बॉक्स मिल जाता है, इधर आपको कुछ कंट्रोल मिल जाता है, देख सकते हो कितने बड़े बड़े कंट्रोल हैं भाई, ECM वगैरह के लिए बिल्कुल खाली सी जगह दे दी गई है टोयोटा ने। देखो गाड़ी भाई बनाई जरूर, देखो एक बलात का तो भाई सेफ्टी इसके अंदर दी गई है, बहुत से दूर के लिए सेफ्टी दी गई है इसके अंदर, ये आप देख सकते हो, यहाँ पर लोअर करने का कर इसको बहुत शानदार दिया गया, यहाँ से देख सकते हो इंसुलेशन आपको लगा के दिया ही है, इसको ऑन करके दिखाते हैं एक बार,
बंद करते हैं इसको भाई, इंजन साउंड आपने सुन लिया इतना आ जाता है फिल्टर चलने के बाद में भाई, बहुत वजन है, अगर इसको उठा लिया ना एकदम भाई मर जाएगा और कुछ नहीं है। तो कैसी लगी आपको टोयोटा फॉर्च्यूनर हमें कमेंट में ज़रूर बताना भाई। 4x4 नहीं है, 4x4 नहीं थी, 4x4 यहाँ पे खड़ा हुआ है, 4x2 थी, सॉरी अगेन। और 4x4 में और इसमें कोई अंतर नहीं है भाई, ये भी इसमें भी, इसमें 4x4 का बोल लगा रखा है टॉगल टाइप का, इसमें भाई 4x4 का इसके अंदर नहीं है। ये है, पसंद आई हो सब्सक्राइब कर लेना, नहीं आई हो भाई डिसलाइक करके ज़रूर जाना। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो के साथ, सी यू सून, हैव अ नाइस डे। लेकिन कार चलाते सीट बेल्ट जरूर पहने, टूल चलाते हेलमेट पहन के जरूर चलें। सी यू सून, थैंक यू, बाय।